नमस्कार दोस्तों, कारपोंट हिंदी के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गिरीश। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, जो आपकी कार होती है उसके नीचे जो कारपेट होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए जब हम इसमें फ्लोर मैट लगवाते हैं। देखिए, इस तरह का जो फ्लोर मैट होता है ये मार्केट से हम इंस्टॉल करवाते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो देख रहे होंगे दोस्तों, आपकी कार मेरी काफी गंदी हो रही है और जो मैट है वो भी काफी गंदे हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो फ्लोर मैट है दोस्तों, इसको लगाने से क्या बेनिफिट आपको मिलता है। तो पहले मैं इस मैट को निकाल लेता हूं ताकि मैं आपको ठीक से समझा सकूं। इसको मैंने निकाल लिया है और आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो नीचे फ्लोर मैट लगा है उसके ऊपर भी डस्ट वगैरह डली हुई है। तो अगर ये नहीं होगा दोस्तों, तो ये डस्ट आपके जो कारपेट होता है, देखिए मैं दिखाता हूँ कारपेट किस तरह का होता है। देखिए, यहाँ से आप देख रहे हो, शायद आपको दिख रहा हो, इस तरह का कारपेट इसके नीचे कंपनी बिछा के देती है और इसमें डस्ट, पानी सब कुछ अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, आपकी कार में अगर फ्लोर लेमिनेशन लगा हुआ है तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपकी कार का जो नीचे का, इसके नीचे जो मैं बता रहा था, इसके नीचे जो कारपेट होता है वो गंदा नहीं होगा। और आप जानते हैं कि जो कारपेट होता है वो काफी जल्दी गंदा हो जाता है, उसमें डस्ट भी काफी सारी अंदर चले जाती है और हमारे पैर अगर गंदे हैं या गीले हैं तो वो पूरा गंदा हो जाता है, उसको क्लीन करना संभव नहीं है। वैक्यूम क्लीनर से ही वो ठीक से साफ नहीं होता, गंदा हो जाता है वो कुल मिला के। और अगर पानी वगैरह किसी बच्चे वगैरह ने फैला दिया तो बड़ी समस्या हो जाती है, वो सूखता नहीं है और बाद में उसमें से बदबू आने लग जाती है। तो फ्लोर लेमिनेशन का जो कॉस्ट होता है दोस्तों, 1000 रुपए से 2500 रुपए तक का आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने 1800 रुपए का लगवाया था, अब ये 1200-1300 रुपए में भी लग जाता है। और जब मैंने कार ली थी 2017 में, तभी मैंने इसको इंस्टॉल करवाया था और ये मार्केट से इंस्टॉल करवाया था। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको लगाने से क्या फायदा है। देखिए, आप देख रहे हैं दोस्तों, इस पर डस्ट लगी हुई है। आपको कुछ नहीं करना, मैट हटा के एक कपड़ा लेना है, उससे इस तरह से साफ कर देना है, इसको इस तरह से साफ कर देना है। देखिए, ये पूरी तरह से साफ हो गया है, कुछ भी नहीं, डस्ट पार्टिकल दिख रहा है इसमें। तो इस तरह से ये पूरा साफ हो गया और जो डस्ट है देखिए दोस्तों, इकट्ठी इस तरफ हो गई है। मैं इसको इस तरह से कपड़े से भर के साफ कर लूंगा या इसको गीले कपड़े से भी साफ कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक और डेमो दिखाता हूँ। देखिए, अभी मेरे पास मग में पानी है और अगर मैं यहाँ पर पानी फैला देता हूँ इस तरह से, देखिए पानी फैला दिया है मैंने कितना सारा। ठीक है, तो पानी फैलाने के बाद भी ये आपके कारपेट के अंदर नहीं जाएगा। देखिए, ये पानी है इसमें। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको एक सूखे कपड़े से इसको क्लीन कर लेना, इस तरह से आप पानी को साफ कर लेंगे तो ये आपका जो मैट है वहां तक नहीं जा पाएगा। इस तरह से आप साफ कर लें। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल साफ हो चुका है पानी, इसमें थोड़ा बहुत बचा है तो हम इसको बाद में और साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। मतलब कहने का ये है कि जो मैट होता है उसके अंदर ये पानी को भी नहीं जाने देता, डस्ट को भी नहीं जाने देता और आपका जो कारपेट है वो बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित रहता है और कारपेट की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कार है या आपने नई कार ली है और एसेसरी लगवाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको जरूर लगवा लें। इसको लगवाने से आपको काफी फायदा होने वाला है और इसको लगवाने का जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया। और इसको लगाने का जो प्रोसेस है वो काफी आसान है। आपकी जो फ्रंट सीट होती है इनको खोल लिया जाता है और इसको पूरी कार में बिछा दिया जाता है। रियर सीट आसानी से निकल जाती है, उसको कुछ खोलने का प्रोसेजर नहीं है। जो फ्रंट सीट है उसको इस तरह से यहां से खोला जाता है, इन बोल्टों को खोल लिया जाता है, उसके बाद ये पूरी कार के फ्लोर में बिछा दिया जाता है, उसके बाद फिर से सीट लगा दी जाती है। और इसको लगवाने का खर्चा जो है वो 1000 रुपए से 2000-2500 रुपए तक आता है, अलग अलग कार पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो अभी ये ऑल्टो K10 या ऑल्टो की बात करूं तो 1000 रुपए से स्टार्ट है और काफी अच्छा रहता है इसको लगाना, वाटर प्रूफ, एक तरह से आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।